हेलो एवरीवन। तो फिर से हम एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा आता है ये, तो हम देखते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारे नोट्स का क्वेश्चन है, तो कई बच्चों ने ट्राई किया लेकिन कईयों से नहीं हुआ। बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं इसको कैसे करना है। और जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे आपको ये दिखा, फर्स्ट इक्वेशन है 9x² - 94.5x + 243 = 0, और दूसरी है 4.5y² - 13.5y - 486 = 0। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम में कुछ ऑप्शंस होंगी आपकी, जैसे एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, या एक ऑप्शन होगी एक्स देन लेस देन वाई है, या एक ऑप्शन होगी आप इस रिलेशन को डिटरमिन नहीं कर सकते, एक ऑप्शन होगी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक ऑप्शन होगी एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, और एक ऑप्शन, यानी कि पांच ऑप्शंस होती हैं, तो एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड और लिखा होता है एक्स इज इक्वल टू वाई। इनमें से कोई एक रिलेशन, मतलब जो एक्स के रूट्स आएंगे वो वाई के रूट से या तो बड़े होंगे या छोटे होंगे या बराबर होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होंगे या लेस देन इक्वल टू वाई होंगे, है ना। तो हमें रूट्स निकालने पड़ते हैं। तो इतनी, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके बता रखे हैं मैंने आपको। एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना भी शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा। और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू -b + -√d/2 है, वो भी काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। आइए मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहली इक्वेशन, 9x² - 94.5x + 243 = 0। आपको कुछ ये नजर आ रहा है कि सारी वैल्यूज 9 से डिवाइड हो रही है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको मालूम है, ये तो 9 है ही आपके पास, ये 5 4 9 9 18 है, देखो 4 3 7 और 2 9 है, तो सभी वैल्यूज 9 से डिवाइड हो रही है। एकदम से आप दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दीजिए LHS और RHS को, तो ये x² - ये कितना रहा शाबाश बताइए, 10.5x, है ना, और ये कितना हुआ बताइए, 27 हो जाएगा, 9 2 18 और 9 7 63, है ना। ये आ रही पहली इक्वेशन, थोड़ी सी सिंपल बन गई। अभी भी आपको लगता है इसको और सिंपल बनाना है, तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, 2x², ये 10.5 का डबल क्या होगा, 21x + 54 = 0। अब इसके रूट्स बनाने में आपको थोड़ी आसानी होगी, मिडल टर्म स्प्लिट करने में थोड़ी आसानी होगी, और मैंने मिडल टर्म स्प्लिट करने की भी ट्रिक्स बता रखी है। आपने क्या करना है, 54 * 108 करना है, यहीं पे डायरेक्ट 108 लिखा, ठीक है। इसको 108 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि सम करने पे -21 आए और प्रोडक्ट करने पे प्लस का 108 आए, तो आप -12 और -9 करोगे। फिर मैंने जो ट्रिक बताई हुई है इसमें, ये जो वैल्यूज आती है, एक तो उसका साइन रिवर्स करना होता है 12 और 9, और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है उसको डिवाइड करना होता है इन वैल्यूज को। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 2 है, 12 से डिवाइड करके 6 आया, 12 को 2 से डिवाइड करके 6 आया, 9 को 2 से डिवाइड करके 4.5 आया, 6 और 4.5, ये डायरेक्ट है। नहीं तो आप वो तो कर ही सकते हो जो आपने बचपन में सीखा हुआ 10th क्लास तक या 11th में भी, 2x² - 12x - 9x + 54 = 0, ठीक है ना। फिर आप कहोगे सर 2x कॉमन आ जाएगा, x - 6 हो जाएगा, है ना, -9 कॉमन आ जाएगा, x - 6 हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर x - 6 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2x - 9 = 0। अब ध्यान से देखो, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, एक ना एक चीज 0 होगी, तो x - 6 0, तो x 6 आ गया, 2x - 9 = 0, x की वैल्यू 9/2 आ गई। चीज वही है, देखो रूट्स तो अभी भी 6 और 9/2 यानी कि 4.5 आए, 6 और 9/2 यानी कि 4.5 आए, लेकिन डायरेक्ट इतना सब कुछ करने की बजाय एग्जाम में मैंने आपको एक क्लासेस में ये ट्रिक बताई हुई है, आपने कैसे स्प्लिट करना है। डायरेक्ट 54 * 108, -21 देखा, सम -21 बनाना है, प्रोडक्ट 108 बनाना है, तो -12 और -9, फिर साइन रिवर्स करना है। लॉजिकली वो साइन रिवर्स करने का रीजन ये है, जब आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन बदल जाएगा ना, -6 का + 6 हो जाएगा, तो साइन रिवर्स की, और ये 2 से डिवाइड भी करना है एक्स करके कॉफिशियंट से, आएगा वही वो 6 और 4.5 आएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, 6 और 4.5 आ गए पहली इक्वेशन के रूट्स। लिख दूं मैं, बोलो कोई डाउट हो तो। तो पहली इक्वेशन के जो अल्फा बीटा आए, रूट्स आए 6 एंड 4.5। रूट्स का मतलब तो मैंने बताया कि ऐसी वैल्यूज जिसको मैं यहाँ पे पुट करूं तो
LHS is equal to RHS, roots, zeros, solutions, एक ही बात होती है, ठीक है ना। अब सेकंड इक्वेशन को अब मैं सॉल्व करता हूं। सेकंड में भी सेम आपको नो की डिविजिबिलिटी नजर आ रही है, आप 9 से डिवाइड किया तो 0.5 बाई स्क्वायर हो गया, 15 गुना में नो 135 होता है ना, तो आप कह सकते हो 1.5 बाई यस नो माइनस का वो भी, और ये किस पे कटेगा बताइए, 9 × 45 9 × 34। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 3y 108 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, अभी मैंने ट्रिक बताई या मिडिल टर्म स्प्लिट तो करना ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आसान ट्रिक क्या बताई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 108 आ रहा है, ठीक है। अब इस माइनस 3 लाना है आपको, ठीक है, प्लस या माइनस करके माइनस 3 लाना है, प्रोडक्ट करके माइनस 108 लाना है, तो माइनस 12 प्लस 9 कर दूं, ठीक है, तो माइनस 3 आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस का 108 आएगा, है ना, और साइन रिवर्स करना है अकॉर्डिंग टू माय ट्रिक, 12 एंड माइनस 9, और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां तो 1 है, 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क थोड़ा ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए 12 एंड माइनस 9 आए, ठीक है, 12 एंड माइनस 9। अब कंपैरिजन में हर एक रूट के साथ कंपेयर होगा, मतलब एक्स का हर एक रूट वाई के हर एक रूट के साथ कंपेयर होगा, जब आप कंपेयर कर रहे हो आपको दिख रहा है कि 6 जो है वो 12 से छोटा है, लेकिन वहीं पे आप कह रहे हो 6 जो है वो माइनस 9 से बड़ा है, एक बार बड़ा आ रहा है और एक बार छोटा आ रहा है, कंपैरिजन वैसे चारों करने होते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन इन दोनों से होगा तो 4 बार होगा ना, 6 का 12 से भी, 6 का माइनस 2 से भी, माइनस 9 से भी, 4.5 का 12 से, 4.5 का माइनस 9 से, है ना। लेकिन जब आपको दिख ही गया कि एक ही कंपैरिजन में आपको पता लग रहा है 6 12 से छोटा है और 6 माइनस 9 से बड़ा है, नंबर लाइन पे भी अगर आप सोचो तो 6 माइनस 9 से बड़ा है, एक बार बड़ा आ रहा है एक बार छोटा आ रहा है, तो ऐसे केस में तो दिखते ही आप क्या लगा के आओगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो जो हमने नोट्स में थर्ड ऑप्शन डाली थी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आप आंसर लगा के आओगे इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक।